उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, मनोविज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एमए सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए रिसर्च के टॉपिक को लेकर के, जिसे हम वैधता के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में हम इसे वैलिडिटी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी परीक्षण की वैधता का क्या अर्थ है, ये प्रश्न हमेशा हमारे मस्तिष्क में रहता है। तो परीक्षण की जो वैधता है, उससे तात्पर्य उस परीक्षण की क्षमता से होता है जिसके सहारे वह उस गुण या कार्य को मापता है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया था। या सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि परीक्षण की वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है और वो परीक्षण उसे कितनी बारीकी से मापता है। जब कोई परीक्षण उसी क्षमता या गुण को सही सही मापता है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया था, तो इस परीक्षण के इस गुण को उसकी वैधता की संज्ञा दी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस बात का पता कैसे चलता है कि कोई भी परीक्षण ठीक उसी क्षमता का सही सही मापन कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया था। तो इसके लिए जो शोधकर्ता होता है, उसे एक बाहरी कसौटी का चयन करना होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक शोधकर्ता है, वो एक बुद्धि परीक्षण का सहसंबंध एक ऐसे मिलते जुलते किसी वैध बुद्धि परीक्षण से ज्ञात करता है, और यह सहसंबंध यदि सार्थक से उच्च आता है तो ये निष्कर्ष पे वो शोधकर्ता पहुंचता है कि जो बुद्धि परीक्षण उसने बनाया है वो एक वैध बुद्धि परीक्षण है। बहुत बार लोगों के मन में ये प्रश्न भी आता है कि क्या एक वैध परीक्षण हमेशा वैध ही होता है। तो कोई भी परीक्षण की वैधता का अध्ययन करते समय तीन बिंदुओं पर हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जो परीक्षण है, कोई भी परीक्षण अपने आप में ना तो वैध होता है और ना ही अवैध। परीक्षण के उपयोग के आधार पर हम उसे वैध या अवैध करार देते हैं। आप मान लीजिए आप स्केल से आप हाइट का मेजरमेंट कर सकते हैं, तो स्केल किसके लिए वैध है? वो आपकी हाइट को नापने के लिए वैध है। लेकिन आप स्केल से किसी के टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते, किसी के तापमान का आप मापन नहीं कर सकते, तो तापमान के लिए वो क्या है? वो अवैध है। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी परीक्षण वो जिस चीज़ के लिए बना होता है वह उस चीज़ के लिए वैध होता है। किसी परीक्षण की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके द्वारा मापे जाने वाले संप्रत्यय को किस ढंग से परिभाषित किया गया है। कोई भी परीक्षण एक परिस्थिति में तथा एक प्रतिदर्श के लिए वैध हो सकता है, परंतु वही परीक्षण दूसरी परिस्थिति में या दूसरे प्रतिदर्श के लिए वैध नहीं भी हो सकता। मान लीजिए कि अमेरिका के लोगों के लिए किसी बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है, तो वो परीक्षण अमेरिका के लोगों के लिए वैध माना जाएगा, लेकिन उस बुद्धि परीक्षण का एडमिनिस्ट्रेशन आप भारत पर नहीं कर सकते, वो भारत के लोगों के लिए वैध साबित नहीं हो सकता। यही अगर आप अमेरिका की जनजाति में उस परीक्षण को करेंगे तो वहाँ के लिए भी वो वैध नहीं होगा। तो कोई भी अगर कोई भी परीक्षण है, वो जिस परिस्थिति, जिस व्यक्ति और जिस प्रतिदर्श के लिए बनाया गया होता है वो उसी के लिए वैध होता है। अब बात आती है कि वैधता कितने प्रकार की होती है, वैलिडिटी की टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो जो वैधता होती है वो तीन प्रकार की होती है, अंतर विषय वैधता, कसौटी संबंधित वैधता और रचनात्मक वैधता। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर विषय वैधता की। एक संभावित क्षेत्र को जिस सीमा तक एक परीक्षण मापता है वही उसकी अंतर विषय वैधता कहलाती है। अंतर विषय वैधता का निर्धारण हम दो तरीकों से करते हैं, एक विशेषज्ञों की राय लेकर की और दूसरा सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर। किसी भी परीक्षण की जो अंतर विषय वैधता होती है उसके लिए दो बातों का होना हमेशा अनिवार्य होता है। पहला ये कि वो एकांश वैधता उसमें होनी चाहिए और दूसरा प्रतिदर्शन वैधता। अब एकांश वैधता से हम क्या समझते हैं? जो एकांश वैधता है उससे पता चलता है कि परीक्षण के जो एकांश उस क्षेत्र के गुणों या व्यवहारों का जो सही सही मापन है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यानी कि जो उसके एकांश हैं, जो उसके आइटम्स हैं, उसको जिस क्षेत्र का मापन करने के लिए बनाया गया है वो उस क्षेत्र का सही से मापन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस व्यक्ति का सही से मापन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरी प्रतिदर्शन वैधता, इससे पता चलता है कि कितना ठीक ढंग से परीक्षण किए जाने वाले क्षेत्र का प्रतिदर्शन किया गया है या सैम्पलिंग की गई है। इसके बाद आती है कसौटी संबंधित वैधता। जो वैधता को ज्ञात करने में परीक्षण को किसी बाहरी कसौटी के संग सह संबंधित करके
देखा जाता है, यह सहसंबंध जितना अधिक होता है परीक्षण की वैधता उतनी अधिक समझी जाती है। जो ये कसौटी संबंधित वैधता होती है ये दो प्रकार की होती है, पहली होती है समवर्ती वैधता और दूसरी होती है भविष्यवाची वैधता। समवर्ती वैधता से तात्पर्य वैसी वैधता से होता है जो परीक्षण को किसी वर्तमान कसौटी के संग सहसंबंधित करने के फलस्वरूप हमें प्राप्त होती है, और जो भविष्यवाची वैधता से जो परीक्षण किसी ऐसी कसौटी के संग सहसंबंधित किया जाता है जो वर्तमान समय में उपलब्ध ना होकर के भविष्य में कुछ समय बीतने के बाद उपलब्ध हो पाता है, तो इसको ही हम कसौटी से संबंधित वैधता कहते हैं। इसके बाद जो अगली वैधता होती है वो है रचनात्मक वैधता। रचनात्मक वैधता जिसे हम कारक व शीलगुण वैधता के नाम से भी जानते हैं, इसमें परीक्षण की वैधता को एक सरल संरचना के रूप में आंका जाता है। इसे परिभाषित करते हुए 1980 में गे ने बताया था कि जिस सीमा तक एक परीक्षण किसी प्रस्तावित काल्पनिक संरचना का मापन करता है उस परीक्षण की उसे संरचना वैधता कहा जाता है। गिगोरी ने 1996 में कुछ सबूत दिए थे जिसके आधार पर यह कहा जा सकता था कि किसी परीक्षण में संरचना वैधता उपस्थित है या नहीं। तो उन्होंने ये बताया कि परीक्षण अगर होमोजेनियस दिखता है और कोई संरचना का मापन करता है तो उसमें जो संरचना वैधता है वो उपस्थित होती है। इसके अलावा विभिन्न समयों में होने वाले, विभिन्न आयु के प्रयोज्यों में होने वाले जो विकासात्मक परिवर्तन है उन्हें मापने का जो सिद्धांत होता है संरचना का, वो उसके संग संगत हो तो संरचना वैधता उसमें पाई जाती है। परीक्षण प्राप्तांकों के कारक विश्लेषण से ऐसे परिणाम प्राप्त हों जो सिद्धांत के संदर्भ में सार्थक हों जिसके द्वारा परीक्षण का निर्माण हुआ हो। तो ये गिगोरी ने कुछ सबूत दिए थे जिनके आधार पर हमें पता चलता है कि किसी परीक्षण में संरचना वैधता उपस्थित है या नहीं है। तो आज आपने जाना कि किस तरीके से वैधता क्या होती है, वैधता के कितने प्रकार होते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के संग, तब तक के लिए नमस्कार।